हाय गाइस, मैं हूं अरिजीत और अम्यूजिंग प्रोजेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। यह सर्किट बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टेंस से ये बन के जो है रेडी हो जाता है। इसके लिए चाहिए एक पोटेंशियोमीटर, मैंने 47K का यूज़ किया, आप चाहे तो 10K का भी यूज़ कर सकते हैं, 10K अच्छा रहता है। और चाहिए 2 पीस 470 ओम की रेजिस्टेंस। उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर को ले लेंगे और लेने के बाद इसके एक साइड में जो है हम 470 ओम की रेजिस्टेंस सोल्डर कर लेंगे और दूसरे साइड में भी हम जो है 470 ओम रेजिस्टेंस को सोल्डर कर लेंगे। देन इसमें जो है इनपुट होगा 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट के पॉजिटिव को हम रेजिस्टेंस में और आउटपुट के पॉजिटिव को हम जो है पोटेंशियोमीटर के मिडिल पॉइंट में सोल्डर कर लेंगे। देन आउटपुट इनपुट नेगेटिव दोनों को हम जो रेजिस्टेंस में सोल्डर कर लेंगे। तो ये बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। आप इसे जो है किसी भी तरह का LED या मीटर यूज़ कर सकते हैं। आप लगभग 12 वोल्ट का इनपुट लीजिए या 15 वोल्ट का और उसको डिवाइड करके जो है आप 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट 3 वोल्ट आप किसी भी वोल्ट का जो है बना के आपका LED या मोटर आप कुछ भी जो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लिया है और देख सकते हैं मल्टीमीटर में ये लगभग 11.62 वोल्टेज दिखा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जब इसको जो है क्लॉक वाइज घुमाया तो वोल्टेज धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब आप 12 या 15 वोल्ट का पावर सप्लाई लेके 4 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब इसको जो है एंटी क्लॉक वाइज घुमाया जाता है तो वोल्टेज थोड़ा थोड़ा होके जो इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से आप जो है 12 वोल्ट या 15 वोल्ट लेके आप किसी वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए वीडियो देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।